इसरो के आदित्य L1 और चंद्रयान 2 ने आसमान की खौफनाक तस्वीरें ली हैं। इन तस्वीरों ने जो खुलासा किया है वो बेहद डराने वाला है। इसरो के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि हाल ही में सूरज में बड़ा विस्फोट हुआ है। इसमें M क्लास और X क्लास लहरें निकली हैं, जिन्होंने एक बड़ा सौर तूफान का रूप लेकर धरती को प्रभावित किया। ये तूफान 2003 में आए भूचुंबकीय तूफान के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसरो के मुताबिक इस तूफान की वजह से धरती का संचार और GPS सिस्टम प्रभावित हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुताबिक ये शक्तिशाली सौर तूफान 11 मई को आया था, जो जियो मैग्नेटिक इंडेक्स के 9 तक पहुंच गया था, जो सौर तूफान का उच्च स्तर है। इसरो के मुताबिक इससे पहले भी कई और सौर तूफान धरती से टकराए हैं, लेकिन ये तूफान काफी ज्यादा खतरनाक था। हालांकि इससे भारतीय क्षेत्र पर तो कम प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब ये सौर तूफान धरती से टकराया उस वक्त पूरी तरीके से दिन नहीं निकला था। यदि उस समय दिन होता तो लोगों को बड़ी बिजली कटौती का सामना भी करना पड़ता। इस सौर तूफान ने सबसे ज्यादा असर प्रशांत और अमेरिकी क्षेत्रों पर डाला। बता दें, सौर तूफान का अर्थ सूरज की सतह पर होने वाले विस्फोटों से लगाया जा सकता है, जो कई लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायुमंडल में फैलते हैं। ये सौर तूफान अंतरिक्ष की कणों को अवशोषित कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, और जब ये धरती से टकराते हैं तो सैटेलाइट नेटवर्क, टीवी, रेडियो संचार और GPS सिस्टम को भी प्रभावित करते हैं। इन्हें 2 क्लास में बांटा जा सकता है, एक M क्लास और एक X क्लास। इन्हें सौर लहरें भी बोलते हैं। अंतरिक्ष में हुई इस हलचल को आदित्य L1 के पेलोड ASPEX ने रिकॉर्ड किया। इसमें सौर तूफान की उच्च गति, तापमान और पवन प्लाज्मा साफ तौर पर नजर आ रहा था। इस पेलोड में स्पेक्ट्रोमीटर है, जो सौर हवा के निशान कैप्चर कर लेता है। इसके अलावा आदित्य L1 के एक्सरे पेलोड सोलेक्स ने भी कई X और M क्लास फ्लेयर्स को देखा, जो कि L1 बिंदु से गुजरे थे। आदित्य L1 के अलावा चंद्रयान 2 के भी ऑर्बिट में इस सौर विस्फोटों की घटनाओं को कैद किया गया है, जो लगातार ऑर्बिट में घूम रहा है। इसमें सौर तूफान की कई दिलचस्प घटनाएं भी कैद हुई हैं। क्या ये जानकारी आपको पहले से थी? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए स्टोरी हाउ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।